Questions in your exercise 1.2. Our first question is, represent these numbers on the number line. 7 upon 4 and minus 5 upon 6 को number line पर mention करना है, show करना है. कैसे represent करेंगे? तो 7 upon 4 positive rational number है. हम 0 से क्या करेंगे जो हमने process सीखा था. अब यहाँ बात है 7 upon 4. तो 7 upon 4 की value कितनी होती है? अगर हम क्वेश्चन रिमाइंडर निकालें तो 1 is 2, 3 upon 4. 1 मतलब होल नंबर है, तो एक 1 हो गया और 3 upon 4 हमारा 1 एंड 2 के बीच में कहीं जाएगा. तो व्हाट वी विल डू, 1 के 4 पार्ट्स करते हैं. 1 के 4 इक्वल पार्ट्स 1, 2, 3 and 4. ओके, तो दिस इज 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4, 4 upon 4. नाउ 1 और 2 के बीच में भी हम 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं. ओके, दिस इज 4 upon 4, 5 upon 4, 6 upon 4 and this one is 7 upon 4, that you can do. Similarly, minus 5 upon 6 is a negative rational number, जो 0 से नीचे आएगा. माइनस 5 अपॉन 6 को भी अगर हम देखते हैं तो 0 और माइनस 1 के बीच में हमें 6 पार्ट्स करने हैं. उन 6 में से 5 पार्ट्स को हमें मेंशन करना है. 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part and 6 part. This is -6 upon 6, that is -1. Okay? -1 upon 6, -2 upon 6, -3 upon 6, -4 upon 6 and -5 upon 6. This is -5 upon 6. Okay? This is how you can show or represent numbers on a number line. Now next question is, represent, अभी तो हमने numbers दे रहे थे, अब हमें mention करना है कि number line पे आपको same denominator के साथ अलग अलग numbers show करने हैं. तो like question number 2 में हमने दिया है -2 upon 11, -5 upon 11 and -9 upon 11 को आपको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर. तो यहां मैंने 1 के 11 पार्ट्स बनाने हैं पहले, 0 और -1 के बीच में 11 पार्ट्स. ओके, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 and -11. ये -11 upon 11 = -1. ओके, ये हमारा -1 आ गया. अब हम क्या करते हैं, यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं. -1, -2, दिस इज -2 upon 11, -2, -3, -4, -5. ओके, -5 upon 11, -6, -7, -8, -9 एंड दिस इज -9 upon 11. This is how you can show or represent numbers on a number line. Now question number 3 is, write 5 rational numbers which are smaller than 2. Smaller than 2 hona chahiye, aise 5 rational numbers. Ab 2 se chote kya hote hain, aap nikal lijiye rational numbers. Aapka 1 is 2, 1 upon 2 bhi hota hai. Aapka 2 upon 2 भी होता है, that is 1. Then आप इसमें शो कर सकते हैं, सही है ना, आप इसमें शो कर सकते हैं 3 upon 4, इसमें आप हाफ शो कर सकते हैं. ओके, 1 upon 4 शो कर सकते हैं. सो यू कैन एनी रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2. इवन यू कैन मेंशन हियर 1 upon 5 ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो बिलो 1 below 2. ओके, इस तरह से आप कोई भी 5 नंबर्स आप इसमें शो कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, आप कोई भी तरीके से भी तरीके सकते, लाइक 2 is equals to 2 upon 2, तो यू कैन मेंशन हियर 1 upon 2, हियर यू कैन मेंशन 1 upon 4, 3 upon 4, यू कैन मेंशन -1 upon 2 और -2 upon 2. दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, they are less than 2.
Okay. Now question number 4 is find 10 rational numbers between. क्या लिखा है question number 4? Find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. अब इसका क्या करते हैं, 5 और 2 का LCM निकालते हैं. 5 और 10 का 2 का LCM कितना होता है? 10 होता है LCM. ओके, 5 2 जा 10, तो -2 2 जा -4, -4/10, एंड 2 5 जा 10, तो 1 5 जा 5. नाउ -4, ये जिसे अगर आपने लगाया नंबर लाइन, ये जीरो पे आया. ओके, या आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया, जीरो लिख दिया. अब यहाँ पे आपने वन कर दिया. अब यहाँ पर आप इसके 10 पार्ट्स कर देंगे माइनस वन और जीरो के बीच में, तो आपका आ जाएगा -1, -2, -3, -4. तो -4/10 इज हियर, तो दिस इज -3/10, -2/10. तो लुक हियर, -3/10, -2/10, -1/10, देन -1/10, देन आपका आ गया 0/10, दैट इज 0. देन अगेन यहां पर आपको 0 एंड 1 के बीच में करना है 1/2. तो 1/2 के आपने कितने पार्ट्स किए? 2 पार्ट्स. ओके, अब इसमें आपको और भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 1/2 की जगह 10/20 कर सकते हैं. इसके अलग अलग पार्ट्स करके यू कैन मेक लाइक 1/5, ओके, 2/5, 3/5, दे ऑल कम इन टू दिस वन. ओके, इस तरीके से 3/5 तो नहीं आएगा, बट 2.5/5. इट मीन्स क्या हो जाता है कि आप इसको 2/5 से नीचे जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको आप इधर मेंशन कर सकते हैं. अगर आपके 5 पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, 10 पार्ट्स कर दीजिए. 10 पार्ट्स कर दिया आपने, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, बिलो 5/10, क्योंकि 5/10 इज इक्वल्स टू हाफ. ओके, इस तरीके से आप इसके 10 रेशनल नंबर्स मेंशन कर देंगे -2/5 and 1/2 के बीच के. नंबर 5 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. 3 क्वेश्चन दिए, इससे सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं -3/2 and 5/3. अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द LCM ऑफ 2 एंड 3. तो LCM ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 6. ओके, दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. अब क्या करते हैं हम, 2 3 जा 6 होता है, तो -3 3 जा -9/6, एंड 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10. ओके, 10/6. अब हमें क्या करना है, -9/6 और 10/6 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं. तो एनी 5 रेशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट. ओके, अब -8/6, -7/6, ओके, -6/6, दैट इज 1, -1, इस तरीके से सो ऑन. इवन यू कैन मेंशन 5/6, 6/6, 7/6, एनी 10 रेशनल नंबर्स यू कैन टेक इन बिटवीन ऑफ दीज टू नंबर्स. ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2. -2 से बड़े कोई भी 5 रेशनल नंबर्स आप बताएंगे. तो अब अगर हम जानते हैं कि -2 से बड़ा -1 भी होता है, एंड -2 से बड़ा -1/2 भी होता है, दैट इज -1, तो -1/1/2, दैट इज -3/2, और -2/2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -2. मतलब -2 से राइट हैंड साइड में जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे दे आर ग्रेटर देन -2. तो -3/2, -2/2, दैट इज 1. ओके, -1/2, 0/2, 1/2, 2/2, all these all are rational numbers and they are greater than -2. So, isko aap find out kar sakte. Students, in your exercise 1.2, there is a question number 7. Find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. 3/5 and 3/4 के बीच में आपको 10 rational numbers find out करने हैं. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 and 3/4 का मीन निकालेंगे. मीन निकालना मतलब
दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/5 एडेड बाय 3/4। इसके लिए हमें 5 and 4 जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकालना होता है। 5 and 4 का एलसीएम होता है 20, क्योंकि 5 और 4 की टेबल में सबसे छोटा नंबर जो आता है, सबसे पहले जो आता है, दैट इज 20, कॉमन जो मल्टीपल होता है। तो 20 इज द एलसीएम ऑफ 5 and 4। अब जब हमने यहाँ 5 को 20 किया एंड 4 को 20 किया, तो 3 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20, 3 4s are 12, 4 5s are 20 एंड 3 5s are 15। सो 12 + 15/20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है मीन निकालने के लिए। ओके, नाउ 27/20, 12 + 15 = 27, 27/20 डिवाइडेड बाय 2। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन को, तो एक्चुअली हम उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा नंबर। डिनोमिनेटर को नीचे ऊपर ले आते हैं, न्यूमरेटर को नीचे ले आते हैं, दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो 1/2, 27 1s are 27 एंड 22s are 40, दैट इज 27/40 इज अ मीन ऑफ 3/5 एंड 3/4। ये तो हमारा निकल गया। अब जो ये मीन आया, इससे हम पहले 3/5 से ऐड करके इसका फर्दर मीन निकालते हैं, उसके बाद 27/40 को 3/4 से भी फर्दर ऐड करके इसका एक और मीन निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं 3/5 + 27/40 एंड इसका मीन निकालना है। सेम वही प्रोसेस एलसीएम 5 and 40 का, दैट इज 40, 5 8s are 40, 3 8s are 24। ओके, 24 + 27/40 डिवाइडेड बाई 2, 24 + 27 = 51, 51/40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ओके, क्योंकि बार बार मैं याद दिला रहा हूं, जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, तो एक्चुअली उस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 or 2। ओके, तो 1/2 लिखा है हमने, 51 1s are 51 एंड 42s are 80। ओके, ये हमारा मीन निकल गया इसका। अब 3/4 27/40 का मीन निकालते हैं। 3/4 + 27/40 अगेन एलसीएम इज 40, 4 10s are 40, 3 10s are 30, 30 + 27/40 डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर 30 + 27 = 57, 57/40 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 2, दैट इज 1/2। ओके, 57 1s are 57 एंड 42s are 80। नाउ वी हैव गॉट 51/80 एंड 57/80। अब 51 एंड 57 के बीच के अगर रैशनल नंबर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 52 53 54 55 56, ओनली 5 रैशनल नंबर्स वी आर गेटिंग। हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो व्हाट वी डू, हम इसको 80 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वाला 160। अब 51 को भी करना पड़ेगा, 57 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रेशियो में इसकी वैल्यू बढ़ेगी डिनोमिनेटर की, उसी रेशियो में आपके न्यूमरेटर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो 82s are 160, 51 2s are 102, 57 2s are 114। ओके, अब 102/160 एंड 114/160 के बीच के रैशनल नंबर्स आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 के बाद आता है 102 के बाद 103/160, 104/160, 105/160 एंड सो ऑन, 113/160 तक आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।